नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मेरा नाम है संदीप सलवान और आप हैं इस वक्त मेरे YouTube चैनल पर, जहां आप हमेशा मुझे देखते हैं एक वीडियो ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें मैं कुछ मिमिक्री के तरीके बताता हूं, कैसे आप मिमिक्री कर सकते हैं। लेकिन आज कुछ अलग करने की कोशिश की है। अक्सर मैं वीडियो बनाता हूँ जहाँ पर आप मुझे एक्सप्रेस करते हुए देखते हो, मेरे हैंड मूवमेंट से मैं आपको नए नए तरीके बताता हूँ कि जब आप मिमिक्री करते हैं तो आपको किन किन बातों का, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। लेकिन आज कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको एक ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जब हम वीडियो करते हैं और जब हम वॉइस ओवर करते हैं, यानी कि बिहाइंड द कैमरा जब हम बात करते हैं, जब हम वीडियो करते हैं तो हमारे एक्सप्रेशंस नज़र आते हैं और उसमें सामने वाले को ये चीज़ दिखती है कि ये पर्सन अपने एक्सप्रेशन से भी किसी पर्सन की नकल कर रहा है और अपनी आवाज़ के साथ भी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये है कि जब हम मिमिक्री करें और हमारा वीडियो कोई नहीं देख रहा, हम सिर्फ वॉइस ओवर कर रहे हैं, यानी कि हम लोग बिहाइंड द कैमरा है और सामने वाला पर्सन सिर्फ हमारी आवाज़ सुन रहा है, उस वक्त आपको कैसे मिमिक्री करनी है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए जब आप वॉइस ओवर कर रहे हैं और वॉइस ओवर करते करते मिमिक्री कर रहे हैं तो सामने वाले का ध्यान सिर्फ आपकी आवाज़ पर होता है, यानी कि थोड़ी सी भी चूक होगी, थोड़ी सी भी कमी होगी, पकड़ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा, जब भी आप मिमिक्री की प्रैक्टिस करें तो वीडियो से ज़्यादा आप ऑडियो के ऊपर भी काम करें, मतलब माइक पर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके बार बार सुने। जब आपको लगे कि आपकी आवाज़ में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है या उसमें मिमिक्री वाली एक्यूरेसी आ रही है, जिसकी भी आप मिमिक्री करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका अटैम्प्ट ले रहे हैं, वो करने के बाद फिर आप वीडियो बनाएं। तो रिसेंटली मैंने एक ऐसा ही एक वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया था शाहरुख खान के बर्थडे पर दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की वेबसाइट के लिए, और अभी मैं आपको उसका लिंक भी शेयर करूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। तो आप जाके देखिएगा, कुछ आवाज़ें मैंने रिकॉर्ड करी हैं और वो कितनी सिमिलर हैं, कितनी एक्यूरेट आ रही हैं, वो जज करने वाले आप हैं, क्योंकि मैंने तो रिकॉर्ड करके उनको दे दिया। तो ये एक रिकॉर्डिंग थी दैनिक भास्कर के लिए, जहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है और आपको एक मैसेज टाइप करना है। जैसे आप कोई भी मैसेज, कुछ भी आप टाइप करते हो, तो आपको एक वॉइस प्रॉम्प्ट सुनाई देता है शाहरुख खान की आवाज़ में, जो मैंने रिकॉर्ड किया है। तो उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। उसको करने के लिए मुझे काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, क्योंकि उनको आवाज़ बिल्कुल रियल, मिलती जुलती शाहरुख के बिल्कुल करीब चाहिए थी, क्योंकि वीडियो करते करते तो हमें थोड़ा सा एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है, क्योंकि हम अपने एक्सप्रेशन से उसको ढक लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं। लेकिन जब हम वॉइस ओवर करते हैं तो सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, वो है परफेक्शन। तो अब आप सुनेंगे वो डायलॉग्स जो मैंने शाहरुख खान के बर्थडे पर दैनिक भास्कर के लिए रिकॉर्ड किए थे। तो आइए सुनते हैं वो डायलॉग्स। जन्मदिन तो हर साल आता है, लेकिन हर जन्मदिन इतना खास नहीं होता, क्योंकि हर बार आप जैसे फैंस नहीं मिलते। आपकी दुआओं के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप कैसे हैं? डॉन को मुबारकबाद तो आज 11 मुल्कों के फैंस दे रहे हैं, लेकिन आपका मैसेज कुछ खास है, डॉन को पसंद आया, थैंक यू। क्या सुनना पसंद करेंगे आप कोई डायलॉग? वो कहते हैं ना कि फैंस तो हर स्टार के पास होते हैं, लेकिन हर स्टार अपने फैंस का फैन नहीं होता। मैं अपने फैंस का सबसे बड़ा फैन हूँ। अगर मेरे पास फैंस नहीं तो मैं कुछ नहीं। आप यहां आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई और ऐसी बातें करने लगी। इतनी शिद्दत से तुमने जो हमसे ये मोहब्बत की है कि हर गाली में भी हमारे लिए बस दुआ की है। शराफत तो मजबूरी हमारी भी नहीं साहेब, क्या करें, दिल वाले है ना, दिल ना तोड़ने की कसम जो ली है। क्या क्या कहा आपने? कोई बात नहीं सनरीटा, कोई बात नहीं। वो क्या है ना कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आपने कुछ कहा, यही बहुत है। तो हमारा कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप मेरी आवाज़ सुनते 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 यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितना पॉसिबल हो सकता है प्लीज़ कर दीजिए। तभी तो आपको आगे वीडियो और इसी तरह के ऑडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच।